नमस्कार दोस्तों। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों का सीरीज चल रहा है, जिसमें तीसरा मुकाबला शुरू होगा 24 फरवरी बुधवार को। कुल मिलाकर चार टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। अभी सीरीज एक एक से बराबर है। भारत इंग्लैंड सीरीज को लेकर बड़े बड़े न्यूज अपडेट्स में आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। कुल मिलाकर 10 अपडेट्स आपको बताने वाला हूं, जो कि यदि आप क्रिकेट के बहुत बड़े वाले फैन है तो आपको इन अपडेट्स की जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को शुरू कर दिया है तो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड अपडेट्स की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर दिन आपके लिए इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए 10 अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो इस अपडेट सीरीज का 10वां पार्ट है। इसके साथ ही वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना समय गवाए चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है तीसरे टेस्ट मैच की तैयारियों को लेकर। तीसरा टेस्ट मैच डे और नाइट टेस्ट मैच होने वाला है और मोटेरा स्टेडियम में होने वाला है, जिसकी तैयारियां बीसीसीआई जोर शोर से कर रही है, क्योंकि इस स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच होने वाला है। इसलिए इस मैच को देखने के लिए बीसीसीआई ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन भेजा हुआ है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता मिला है। जेपी नड्डा, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और सौरभ गांगुली भी इस मैच को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी छोटी छोटी क्लिप्स बीसीसीआई रिलीज करता रहता है अपने ट्विटर हैंडल पर। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि मोटेरा स्टेडियम जिस खिलाड़ी ने भी देखा उसने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की, हर तरह की फैसिलिटी की तारीफ की और इस भव्य स्टेडियम का काफी ज्यादा गुणगान भी गाया गया। इस स्टेडियम का सीट है वह कलर किया हुआ है, जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं काफी रंग बिरंगे रंगों का इस्तेमाल किया गया है सीटों को रंगने के लिए। और इसी रंग बिरंगी सेटिंग को लेकर इंग्लैंड के बोरिंग कोच ने अपना चिंता जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि यह मैच रात में होगा और गुलाबी रंग के बॉल से होगा, तो उन्हें लगता है कि रात के वक्त फील्डर्स को गेंद स्पॉट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है और यदि इस मैच में बहुत ज्यादा फील्डिंग मिस्टेक्स होता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं। आपको तो पता है कि मुझे क्रिकेट देखना और वीडियो बनाना बहुत ही पसंद है। हाल ही में मुझे एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप माई 11 सर्कल के बारे में पता चला और दोस्तों आप यकीन मानिए यह एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसकी खासियत यह है कि आप इसमें चैंपियंस के साथ खेल सकते हैं, जैसे कि राशिद खान के साथ आप हेड टू हेड खेल सकते हैं। माई 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही आसान है। इसमें दोनों टीमों से आपको 11 खिलाड़ी चुनने हैं और आपको अपनी टीम बनानी है और इस टीम से आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। बहुत समय के बाद भारत इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रहा है और माई 11 सर्कल पर राशिद खान अपनी टीम बनाने वाले हैं और यदि आपकी बनाई हुई टीम राशिद खान की टीम को हरा देती है तो आपको 3 गुना एक्स्ट्रा कैश मिलेगा और यह कितना बेहतरीन बात है। और माई 11 सर्कल की सबसे खास बात तो यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे सारे के सारे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में आप डाल सकते हैं और यह बिल्कुल ही सुरक्षित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1 करोड़ रुपए तक जीते हैं और करोड़पति बन गए हैं और आप भी इनके जैसे ही पैसे जीत सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें। ऐप को डाउनलोड करते ही आपको 1500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा और क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको उस लिंक पर जाकर ऐप डाउनलोड करने से 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी जाएं और अपनी टीम बनाएं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों इंग्लैंड के साथ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह अपनी वापसी करने वाले हैं। बुमराह भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं और उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में इसीलिए आराम दिया गया था ताकि वह तीसरे टेस्ट मैच में, जो कि पिंक बॉल टेस्ट मैच होने वाला है, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके। असल में सभी टीम यह कोशिश करते हैं कि जब डे और नाइट टेस्ट मैच हो, पिंक बॉल मैच हो, तब अपनी टीम में तेज गेंदबाजों की संख्या ज्यादा रखी जाए, क्योंकि पिंक बॉल पेस गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद करता है। यह काफी अच्छी खबर है कि जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट मैच में अपनी वापसी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है उमेश यादव की तरफ से। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बीसीसीआई इस बात का फैसला रविवार को करने वाले हैं कि उमेश यादव खेलेंगे कि नहीं। तो रविवार को उनका फिटनेस टेस्ट हुआ और उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर भी कर लिया है और उन्हें बाकी के बचे 2 टेस्ट मैच में शामिल कर लिया गया है। वहीं इसके पहले शार्दुल ठाकुर इस स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें रिलीज कर दिया गया है और उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए कहा गया है। शार्दुल ठाकुर मुंबई से खेलते हैं। उमेश यादव के एंट्री के बाद अब बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि भारत तीसरे टेस्ट मैच में 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने वाला है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बेन स्टॉक्स की तरफ से। बेन स्टॉक्स इस बात को लेकर काफी ज्यादा संतुष्ट हैं कि उनकी टीम के पास वह हर कुछ है जो पिंक बॉल टेस्ट में जीतने के लिए जरूरी होता है और पिंक बॉल टेस्ट जीतना वह अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके पास अच्छा स्पिन गेंदबाजी है, उसके साथ ही तेज गेंदबाज भी उनकी टीम में बहुत ही अच्छे हैं। साल 2012 में इंग्लैंड की टीम ने भारत को हराया था टेस्ट सीरीज में और वही बेन स्टॉक्स की प्रेरणा का स्रोत है और अपनी गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में वह गेंदबाजी करेंगे और हो सकता है कि उनकी गेंदबाजी एक बड़ा डिफरेंस ले आए। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रोहित शर्मा की तरफ से। हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे थे कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम का पिच काफी ज्यादा खतरनाक था। इस पर रोहित शर्मा ने कहा है कि सालों से भारत में पिच इसी तरह
बनता आ रहा है। दोनों टीम उसी पिच पर खेल रहे थे, सेम कंडीशंस पर खेल रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह का बेवजह का मैटर को क्यों उठाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हर टीम अपने घर में होने का फायदा उठाते हैं, होम एडवांटेज लेते हैं, होम कंडीशंस उसका फायदा उठाते हैं। आज इंडियन टीम उठा रहे हैं और कल जब वह कहीं जाएंगे तब वह टीम इसका फायदा उठाएंगे, और जब भी वह किसी दूसरे देश में आते हैं तो जब वहां की मैनेजमेंट उनके बारे में नहीं सोचता है तो फिर वह इतना क्यों सोचेंगे, जो भी है सही है फेयर है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है कि आखिर प्लेइंग 11 में किन किन को जगह मिलने वाला है। तीसरे टेस्ट मैच के लिए चार खिलाड़ियों को कहा गया है कि उन्हें रेडी रहना है। उनमें नाम आता है कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज का। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेलेगा, क्योंकि भारत के 10 खिलाड़ी तो फिक्स हैं, लेकिन 11वां खिलाड़ी कौन होगा यह भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा मथापच्ची का सवाल है। क्योंकि रविंद्र जडेजा अनफिट है इसलिए इतना ज्यादा परेशानी हो रहा है। कुलदीप यादव को पिछले टेस्ट मैच में मौका मिला था पर उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया था। वॉशिंगटन सुंदर एक स्पिनर गेंदबाज है जो अच्छा बैटिंग करते हैं, वहीं हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा गेंदबाजी तो करते ही हैं लेकिन विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ तो अच्छा रन भी बनाकर दे सकते हैं, जो कि बाकी और खिलाड़ियों के अंदर एबिलिटी नहीं है। और मोहम्मद सिराज जो कि एक तेज गेंदबाज है वह भी पिंक बॉल की कंडीशंस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन चारों में से कौन सा खिलाड़ी खेलता है तीसरे टेस्ट मैच में। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 को लेकर। आपको बता दें कि पहले दो टेस्ट मैच के लिए जैक क्रॉली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब इस खिलाड़ी को पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया गया है और तीसरे टेस्ट मैच के लिए वह अवेलेबल रहने वाले हैं और बहुत ज्यादा चांस है कि यह खिलाड़ी आपको इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। पिछले बार जब भारतीय टीम ने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ तब बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी टीम इंडिया, जहां पर आपको बता दें कि सिर्फ 37 रनों पर ऑल आउट हो गए थे इंडिया के सुरवीर। और जब चेतेश्वर पुजारा से पूछा गया कि क्या इस तरह का ब्लंडर फिर से हो सकता है तो जवाब में चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि ऐसा अब कभी नहीं होगा, वह एक अलग गेम था, गेंद को ज़्यादा ही स्विंग कर रहा था, डेढ़ घंटे के खराब बैटिंग की वजह से हमें ऐसा झेलना पड़ा था और अब ऐसा नहीं होगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह तीसरा टेस्ट मैच जीत जाएंगे। आपको बता दें कि आखिरी पिंक बॉल टेस्ट मैच भारत ने जीता था वह उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीता था कोलकाता में 2 साल पहले। चलिए देखते हैं अपना दसवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट जुड़ा हुआ है रोहित शर्मा से। रोहित ने यह कहा है कि वह इस बात पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि यदि वह एक भी टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर जाएंगे, बल्कि वह ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंग्लैंड के सीरीज पर और इसमें जीत मिलने पर कुछ फायदा हो रहा है तो उन्हें बहुत खुशी है और वह भी चाहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वह क्वालिफाई करें, लेकिन पहले इंग्लैंड के साथ सीरीज जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो दोस्तों यहां से हमारे इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज को लेकर बड़े अपडेट्स, ऐसे अपडेट्स आपको जब तक सीरीज से चलेगा तब तक मिलता रहेगा, इसलिए हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। और आईपीएल की अपडेट मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसे जरूर से जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ।